लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड में बीते दो दिनों से चल रहे हैं चपरी मध्य विद्यालय के पारा शिक्षक के द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले को जिला उपायुक्त के द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद आज अनुमंडलीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित 4 सदस्य टीम ने मामले की जाँच विद्यालय पहुँच कर शुरू कर दी, जहाँ इस दौरान जाँच टीम में शामिल अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बरवाड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल है, जहां जांच के दौरान जांच टीम ने मामले को लेकर विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय समिति शिक्षकों घंटों पूछताछ की, साथ ही साथ पंचायत के मुखिया और उनके परिवार के सदस्यों से बुधवार के दिन विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा उनके आवास पर किए गए घेराव के मामले को लेकर भी पूछताछ की गई। वहीं जांच को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी जयप्रकाश झा ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, साथ ही साथ हर एक पहलू को जांच करते हुए जांच रिपोर्ट जिला उपायुक्त को सौंपी जाएगी। वहीं मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर नियम संगत कार्रवाई होगी। ये मामला है उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपरी का, और वहाँ बच्चियों के साथ गलत हरकत शिक्षकों द्वारा किया गया है। उसमें दो शिक्षक का नाम आ रहा है, अजीत सिन्हा है और एक राजीव सिन्हा है, और इस संबंध में हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और गहराई से जांच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हम लोगों को लग रहा है कि जो सही तथ्य है उजागर हो, हाँ, क्योंकि यहाँ भी बैनर लेके वो लोग आई थी मुखिया जी के यहाँ, यहाँ मुखिया जी के पत्नी को भी बताई थी, और हमारे साथ महिला मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी भी हैं, और बच्चियां जो हैं सो हम लोग के सामने बहुत बात खुल के नहीं बताती हैं, संकोच करती हैं, इसलिए इस जांच दल में महिला पदाधिकारी को भी रखा गया है। वो लोग अपना बयान ले रही है, और भी जो आरोपी हैं उनका भी पक्ष लिया जाएगा, और भी कई बिंदु जो जाँच के क्रम में ऐसा लगेगा कि और भी पूछताछ करना है तो पूछ करके एकदम निष्पक्ष जाँच किया जाएगा, और जांच का जो परिणाम होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।